सब कुछ कर्म करते रहो, क्योंकि सब कर्म क्षेत्र पर आए हैं। कर्म करना है, ये तन दिया है कर्म करने के लिए, लेकिन इन आंखों से क्या देखना है, इस मुख से क्या बोलना है, इन हाथों से क्या करना चाहिए, उसका ज्ञान चाहिए। तब ये कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हो वो कर्मेंद्रियों को सुख मिलेगा। उस कर्मेंद्र से कभी पाप नहीं होगा, कभी अपंग नहीं होंगे। अब होने का कारण क्या है? हमने इस कर्मेंद्र से गलत कर्म किया है। किसी जन्मते किसी को हाथ नहीं है, आंख नहीं है, क्यों? किसने किया? भगवान ऐसा करेगा? तब कहते इनके कर्मों की गति है। तो भगवान आगे शिव बाबा के कर्म श्रेष्ठ कैसे करना चाहिए, तो ज्ञान जरूर चाहिए। अगर आपने यहां से एक घंटा बैठ के सुना, अगर बाहर जाते ही देख लो किसी ने भूत से आपका चप्पल पहन लिया तो क्या करेगा? चलेगा, बहुत जल्दी चलेगा। क्या शब्द निकलेगा? अरे आपको दिखाई नहीं देता, कुछ गलत शब्द निकलेगा ना। हाँ, और जाने कोई पहन के गया, कौन गया? बाबा का बच्चा ही गया, बाबा नया भेज देगा, है ना? बाबा का और कोई लेके तो नहीं गया। ये समझ ये कब आती है? जब आत्मा ज्ञान से और शक्ति से भरपूर होता है, तब उससे कभी भी गलत शब्द निकलते नहीं है, जोश के रोग के शब्द निकलते नहीं है, निर्मल सच हो सकता है ऐसा। तब ज्ञान चाहिए। ज्ञान सुनने से कभी कुछ नहीं होगा। आप कहते एक घंटा नहीं, कभी कभी कोई कहते हम चार बजे दफा मुरली पढ़ते हैं। आप सोच लो, चार बजे दस दफा मुरली पढ़ो, सुनो भी, शाम तक याद रहेगा? पूछ लो आप अपने आपसे। सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं, सुनने के बाद पढ़ने के बाद याद रखकर औरों को दान जरूर करना चाहिए। दान नहीं किया तो उच्च पद नहीं मिलेगा। साधारण उधर भी जाकर के बर्तन साफ करना पड़ेगा, उधर भी जाके खाना बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे इधर भी करते थे वही उधर भी जाके करना है। अगर उच्च पद चाहते हो, ज्ञान दान करना सीखो। अपनी भाषा में बताओ, जो भी एक मुरली के पॉइंट सवेरे दिन में शाम को, जैसे न्यूज पेपर पढ़ते हो, टीवी में कोई न्यूज आती है और उनको सुनाते हो ना, आज ऐसे हुआ आज ऐसे हुआ, ये हमारे अंदर आदत है। लेकिन शुभ समाचार सुनाना जरूरी है। इसमें कोई तकलीफ है किसी को? मुरली सुनने में, याद रखने में, लिखने में? कोई कहते लिख नहीं सकते, उनकी भी विधि बताए। जो कहते हैं मुझे लिख नहीं सकता, तो अड़ोस बाजू में देखो, भाई बैठा है बाजू में, माता जी बैठी है, लिखती है। बाहर रास्ते पर जाती सर, क्लास से बाहर गए, माता जी आप मुझे लिख लेती, क्या लिखा था बताओ, मैंने भी सुना था, याद नहीं रहता, पूछ लो। हो सकता है ऐसा कि नहीं, तकलीफ है तो बताओ। हाँ सही बोल रहे हो, पूछ सकते हो। अगर यहाँ पानी पीना था, यहाँ मिला नहीं, वहां जाके भी तो पियेंगे ना, क्योंकि प्यास लगी। ज्ञान की प्यास चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिगर गति सदगति नहीं। सदगति माना अच्छे कर्म करने की गति, नहीं तो न चाहते हुए भी कदम कदम पर पाप, कोई ना कोई पाप हो जाता है। न चाहते हुए भी कुछ ना कुछ शब्द निकल जाता है। क्यों? ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। इसलिए मुरली सुनने की विधि चाहिए।